सब प्रकार की सेवा में सबसे प्रिय सेवा कौन सी है? प्रचार की सेवा। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा क्या करता है? प्रचार। तो आप ऐसे कौन कौन हो जो प्रिय बनना चाहते हो? या माया के प्रिय बनो या भगवान के प्रिय बनो। माया के प्रिय बनोगे, बनने का प्रयास करोगे तो मार खाते जाओगे, और अगर भगवान के प्रिय बनने का प्रयास करोगे तो आनंद ही आनंद है। भक्ति के मार्ग में आनंद ही आनंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री शास्त्र के पहले श्लोक में क्या कहते हैं? आनंद बुद्धि वर्धनम। अगर भगवान के नामों का नाम उच्चारण करोगे तो अंत में आनंद ही आनंद प्राप्त करोगे। तो भक्ति के कई साधन हैं, जिनमें एक साधन है प्रचार का। तो जैसे आप जानते हो, गीता जयंती के उपलक्ष इस्कॉन के सारे भक्त सारे विश्व में, आपके हिंदुस्तान में तो मैं तो इस समय बड़ा अच्छा मौसम है, विदेशों में रशिया जैसे देश में इस समय चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ, रशिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। और उस ठंड के वातावरण में भी भक्त क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आप सब भक्तों से ये छोटा निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ये सब आप जुड़िए ग्रंथों के मैराथन की सेवा में। तो गीता में क्या है? ज्ञान, जिस ज्ञान की कमी है। आज आप कहोगे आजकल तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, हाँ हम गीता कैसे बांटेंगे? आपको सड़कें खाली दिखती हैं या ट्रैफिक वैसा ही है पहले जैसा? हाँ कि सड़कें खाली हो गई हैं, रेस्टोरेंट होटल खाली हैं कि भरे हुए हैं? तो आगे 500 रुपये का रोड नहीं है और 1000 का। अगर आप गीता बांटने का प्रयास करोगे भगवान आपको सफलता देंगे। तो आप सब बड़े उत्साह से जुड़ते हो, आपसे निवेदन है कि ये सब भी जुड़िए। गीता के ज्ञान के द्वारा आप असली सुख प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा सोचती न कंक्षी। जो व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार करता है वो आनंद ही आनंद में होता है। तो आप सब जुड़ोगे ग्रंथों के मैराथन में। ये जो है ये प्रचार की संस्था है। अगर प्रभुपाद जी प्रचार नहीं करते तो आसान विश्व में कृष्ण भक्ति पहुंचती? सबने प्रभुपाद को कहा, नहीं जी आप अमेरिका मत जाओ, वहाँ जाओगे इस कठिन उम्र बूढ़ी उम्र में तो शायद मर जाओगे। तो प्रभुपाद ने केवल में एक ही भाव था, गुरु का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है, तो उसे सफल बनाना चाहे। तो आप सबसे निवेदन है महामंत्र का जाप कीजिए। आज हम इनकी कथा में और महामंत्र की महिमा के विषय में सुनते हो। महामंत्र के जाप का लाभ हर स्थिति में है, पर अधिक लाभ प्राप्त होगा अगर आप भक्तों की संगत में रहकर महामंत्र का उच्चारण करो। और ये प्रयास करो कि आप सदा भक्तों की संगत में रहो। महामंत्र का उच्चारण करोगे, शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों की संगत में सेवा, तो बड़ी बहुत ही जल्द आप मैं और मेरा भौतिक आकर्षण जो है उसे बच पाओगे। देवेश गुणमाई मम माया दुरत्या। भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रभावशाली है। तो आप कहोगे जब भगवान कहते हैं बड़ी प्रभावशाली है तो हम क्या कर रहे हैं? तो भगवान आगे कहते हैं क्या? मामे वामी है उदय थे माया में ताम चढ़ते थे। जो मेरे ही शरण में आएगा
माया के प्रभाव से बच सकेगा। तो आप सबकी इच्छा है, श्रद्धा है, इसीलिए आप इधर आए हो। आप सबसे निवेदन है, कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लीजिए, शास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए। आप में कितने भक्त हैं जो गीता को रोज पढ़ते हो? जब हम स्कूल में थे सुनते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। आज सच है नहीं पता नहीं, पर अगर गीता रोज पढ़ोगे माया से दूर रहोगे। गीता पढ़िए, शिक्षा दूसरों को भी दीजिए और साधु संगत में रहने की इच्छा रखिए, फिर आप असली सुख प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ पूछिए। थैंक यू गुरु महाराज। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर जाते हैं तो हमारा क्या भाव होना चाहिए? जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, हमारा भाव ये होना चाहिए, लोग अज्ञानता में हैं, पाप के कार्यों में जुड़े हुए हैं, आपने उनका उद्धार करना है, भगवान ने आपको भेजा है उनका उद्धार करने के लिए। और अगर वो गीता पढ़ेंगे, गीता लेंगे, एक श्लोक भी गीता का पढ़ेंगे, उनका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है सागर में, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, आप उसे बचाने जा रहे हो। तो आज लोग अज्ञानता के सागर में डूब गए हैं, लगभग डूबे हुए हैं, शराब के नशे में हैं, तो उनको बचाना है। आप बचाओगे या नहीं? आपको किसने बचाया था? आप दूसरों को बचाओगे नहीं? तो जैसे आप बचे हो, दूसरों को भी भाग्यवान बनाओ। आप तो भाग्यवान बन गए, चंडीगढ़ के असली करोड़पति कौन है? जो मैरियट होटल का मालिक है। असली करोड़पति हैं जिनके पास हरी नाम है। तो आप हो असली रईस व्यक्ति चंडीगढ़ पंचकुला के, जिन्होंने हरी नाम, ये है असली धन, बाकी सब तो नकली धन है। महाराज इसी में एक फर्दर क्लेरिफिकेशन था कि जब हम इस भाव से जाते हैं और बुक्स चली जाती हैं तो एक अहंकार का भाव आना शुरू हो जाता है कि हमने इतनी किताबें बांटी। हाँ जी महाराज, हम इतने पहलवान हैं। ठीक है, अहंकार का भाव आता है, आने दो, पर ग्रंथ बांटो। ये मत सोचो अहंकार का भाव आएगा तो इसलिए मैं ग्रंथ ही नहीं बांटूंगा, ये बहाना मत ढूंढो। कई बार हम बहाना ढूंढते रहते हैं, हमारे में तो पवित्रता नहीं, हम प्रचार कैसे करें? ओके। Saparashoka Dukache Guchibhe Nachao, Nachao, Nachao Prabhu Nachao Sema